सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य वयं प्रथमः पाठः नवम्याः कक्षायाः प्रथमः पाठः ज्ञास्यामः। अस्मिन् अन्तर्जालीये कक्षा माध्यमेन पठिष्यामः प्रथमः पाठः नवम्याः कक्षायाः। अस्तु, आगच्छन्तु। प्रथमः पाठः नाम किम्? अविवेकः परमापदां पदम्। अविवेकः परमापदां पदम्। देखिए, इसको सामान्य तरीके से मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक कहानी है, जिस कहानी में जो यह बताया गया है कि अविवेक जो है, अविवेक यदि अविवेकी व्यक्ति यदि है तो उसके अंदर में सबसे बड़ा आपदा वाला शब्द है, वो क्या है? अविवेक है। अविवेक परम आपदाम पदम, परम आपदाम पदम अविवेक, परम आपदाम पदम कह अविवेक, अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक परम आपदाम पदम, अविवेक परम आपदाम परम। आगच्छन्तु, अद्य वयं पठिष्यामः ज्ञास्यामः केन प्रकारेण अत्र शब्दार्थः भविष्यति, वाक्यार्थः भविष्यति, अस्य विषय ज्ञानार्थम् अत्र वयं पठिष्यामः। सर्वप्रथमम् अक्रियमाणस्य काम क्या अर्थ होता है? न क्रियमानस्य, न किए जाते हुए कार्य का, अक्रियमानस्य, अक्रियमानस्य, ठीक है। अस्ति मतलब है, उज्जैन्या मतलब उज्जैनी में, माधव नाम विप्रह, माधव नाम का विप्र उज्जैनी में रहता है। एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य, एकदा तस्य भार्या स्वबालापत्यस्य रक्षार्थं तम अवस्थाप्य स्नातुं गता। एक बार उसकी पत्नी अपनी बेटी के पुत्र की रक्षा के लिए उसको रखकर स्नान करने के लिए चली गई। अथ ब्राह्मणः राजा श्राद्धार्थं निमंत्रितः, ब्राह्मण राजा के द्वारा श्राद्ध के लिए निमंत्रित था। ब्राह्मणः सहज दरिद्रतया अचिन्तयत्, ब्राह्मण यदि सत्वरम न गच्छामि तर्हि अन्यः कश्चित् श्राद्धार्थं वृत्तः भवेत्, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो कोई दूसरा चला जाए, संलग्न हो जाना चाहिए। ब्राह्मण सामान्य दरिद्रता से सोचा, यदि मैं शीघ्र न जाता हूं तब कोई श्राद्ध के लिए संलग्न हो जाना चाहिए। अब आगे श्लोक है, नीति श्लोक में, नीति शास्त्र में, नीति शतक में है। अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्दृशम्। अदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः, क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्दृशम्। आप इसे याद कर लेंगे श्लोक को, ठीक है। इसको श्लोक को समझिए, अदानस्य लेने में, प्रदानस्य देने में, कर्तव्यस्य कर्तव्य का, और कर्मणः कर्म का, लेने में देने में कर्तव्य का कर्म का जो कुछ भी है उसका क्या हो? क्षिप्रम क्रियमाणस्य, क्षिप्रम क्रियमाणस्य मतलब क्षिप्रम मतलब सत्वरम, सत्वरम मतलब शीघ्रम, ठीक है, शीघ्र किए हुए का, है ना। कालह पिबति तद्रशम, काल जो है, काल जो है आपदा विपत्ति, वो क्या करता है? वो उसके रस को पी जाता है, ठीक है, उसके महत्व को समाप्त कर दिया जाता है, महत्व समाप्त हो जाता है। यह सब कुछ जानते हुए भी वो जो है लालच बस आकर के वो ब्राह्मण जो है सो चला जाता है, क्या कहाँ चला जाता है? किंतु बालकस्य, अब वो सोचता है, किंतु बालकस्य अत्र रक्षकः नास्ति, न जमा अस्ति नास्ति, नहीं है,
किंतु बालक का यहाँ रक्षक नहीं है। तत् किम करोमि, तब क्या करूँ। भवतु चीरकाल पालितम इमं पुत्र निर्विशेषम नकुलम बाल रक्षायम व्यवस्थाप्य गच्छामि। अब वो हो भी क्यों ना, लंबे समय से पाले हुए, चीरकाल पालितम मतलब लंबे समय से पाले हुए इस इमं मतलब इस पुत्र निर्विशेषम पुत्र के तरह पालित जो नकुल है, बाल रक्षायाम बालक की रक्षा में व्यवस्थापित करके जाता हूँ। तथा कृत्वा गतः, वैसा करके गया। ततस्तेना नकुलेन बाल समीपम उपसर्पण कृष्ण सर्पम दृष्टः। उपसर्पण लौटते हुए है ना, रेंगते हुए ततस्तेना नकुलेन, तब उस नकुल के द्वारा बालक के पास में सांप लौटते हुए दिखाई दिया। सह तम व्यपाद्य खंड सह कृतवान, उसको मार करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। अत्रांतरे उसके बाद ब्राह्मणों अपि श्राद्धम गृहीत्वा गृहम उपावृतः, उसके बाद ब्राह्मण भी श्राद्ध ग्रहण करके वापस उपावृतः मतलब प्रत्यागच्छत लौट आया। ठीक है, ब्राह्मणं दृष्ट्वा रक्त विलिप्त मुखः पदः तस्य चरणयोः आलुठत नकुलः। ब्राह्मण को देख करके रक्त से विलिप्त मुख पैर उसके हो गए थे, चूंकि वो सांप को उसने मार दिया था तो रक्त विलिप्त मुख पैर हो गए थे उसके, तो उसी हालात में ब्राह्मण को देख करके वह क्या करने लगा, लौटने लगा। विप्रः तथाविधं तम दृष्ट्वा बालको अनेन खादितः इति अवधार्य कोपात् नकुलं व्यापादितवान्। कोप से नकुल को क्या कर दिया, व्यापादितवान् मार दिया। किसने मार दिया, माधव नाम के विप्र ने मार दिया। क्या विचार करके कि बालक अनेन खादितः, बालक इसके द्वारा खा लिया गया है, ऐसा विचार करके वह मार दिया। अनंतरम यावत् उपसृत्य अपत्यं पश्यति तावत् बालकः शुष्टः सर्पश्च व्यपादितः तिष्ठति। अनंतरम उसने तो मार दिया, अब उसके बाद क्या होता है, बाद में जब तक वह अपने पुत्र के पास जाता है तब तक वह वहाँ जाकर के देखता क्या है कि बालक हमारा जैसा था वैसा ही है, बालक बिल्कुल स्वस्थ है और सांप मरा हुआ देखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनंतरम यावत् उपसृत्य अपत्यम पश्यति तावत् बालकः सुस्तः सर्पश्च व्यपादितः तिष्ठति। बाद में जब बालक जब तक अपने पुत्र के पास जाकर देखता है, बालक ठीक ठाक जैसा था वैसा पाता है और सांप को मरा हुआ देखता है, फिर क्या होता है, ततः तम उपकारकम नकुलम मृतम निरीक्ष्य आत्मानं मूषितं मन्यमानः ब्राह्मणः परम विषादम अगच्छत अत उच्यते। इसलिए कहा भी गया है, वहाँ से उस उपकार करने वाले नकुल को मरा हुआ देखकर अपने आप को अपराधी मानता हुआ है ना, बहुत ठगा हुआ सा पाया, मूषितम ठीक है, ठगा हुआ पाया ठीक है अपने आप को, अतः इसलिए कहा गया है कि सहसा विदधित न क्रियाम, अचानक जानकर कोई भी कार्य नहीं कर लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि अविवेक महान आपदा सूचक शब्द है और विणुते ही मतलब वो गुणों के द्वारा है ना, विणुते ही विमृश कारिणम गुणलुब्धा, तो ये जो विमृश कारिणम है इसका मतलब होता है
विचार पूर्वक कार्य करने वाले, विमृश कारिण्य मतलब विचार पूर्वक कार्य करने वाले को वृणुते ही वरण किया जाता है। वृणुते ही विमृश कारिणम, विचार पूर्वक किए जाने वाले जो भी कोई भी है, विचार पूर्वक जो कोई भी कार्य करते हैं उनका क्या होता है, वरण किया जाता है। और क्या, गुणलुब्धा स्वयमेव संपदः, गुणलुब्धा मतलब गुणों द्वारा जो आकृष्ट है, स्वयमेव अपने आप में ही वो बहुत बड़ी संपदा है। इस प्रकार हम आशा करते हैं आप सबको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम सभी प्रश्न उत्तर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद है।